नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चले रुक करते हैं खबरों का। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से 11 अरब 59 करोड़ का बजट पास किया गया। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने बताया कि जीएसटी लगने के कारण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जीएसटी का 4.5 करोड़ कर्ज चुकाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से जीएसटी माफ करने की मांग की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पास किया गया है वो है 11 अरब 59 करोड़ 67 लाख रुपए केवल। गुरुद्वारा साहिबान पासों दसबंध धार्मिक फंड विद्या फंड ट्रस्ट फंड अते सहायता आदि जड़ी है ये रकम आउंदी है। सो इस तरह ये जिहड़ा अज दा सर्वसम्मति नाल साडा जिहड़ा बजट है ये पास होया है, क्योंकि साढ़े कोल हुण तक 4.5 करोड़ रुपया जिहड़ा है जी एस टी का साडा श्रोमणी कमेटी वालों पे कर चुके हैं। सो जे भारत सरकार सानू जी एस टी तो मुक्त करती है तो यह बहुत बड़ा जन सानू जिहड़ा फर्क पड़ना लंगर तो जिन्ना भी साडा राशन आउंदा है। सो जिथे असी पंजाब सरकार ने जो अपना हिस्सा माफ किया है उतो ये भी मंग करते हैं जिहड़ा असी हुण तक पे कर चुके हैं वह भी सरकार पासों मंग है साडी कि वह भी साडा रिफंड किया जाए। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में गरीबों को मिलने वाले अन्न के अधिकारियों की मिली भगत से जमकर कालाबाजारी हो रही है। अधिकारियों की मिली भगत से राशन डीलर गरीबों के अन्न को मुनाफे में बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। ताजा मामला गढ़कोतवाली क्षेत्र के चकलठीरा से सामने आया है, जहां एक राशन डीलर ने गरीबों को मिलने वाले अन्न को कैंटर समेत गायब कर दिया और सरकारी कट्टों से निकालकर चावल को प्राइवेट कट्टों में भरने लगा। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम ने सरकारी चावल को अपने कब्जे में लिया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। गोदाम पर कुछ सरकारी राशन के माल जो है वो के साथ हेरफेर किया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने तत्काल अपना खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर देखा इन्होंने कि एक कैंटर से बोरे उतारे जा रहे हैं और उन बोरों से माल निकाल करके सरकारी बोरों से और प्राइवेट बोरों में उसको चेंज किया जा रहा था। पूछताछ में पाया गया है कि एक राजेंद्र कुमार हैं, सनाफ नवल किशोर, रिफ्यूजी कॉलोनी गढ़ मुक्तेश्वर के हैं। ये कोटेदारों से फुटकर खरीदते हैं और इसको ये गलत तरीकों से बाजार में जाकर के इसको बेचते हैं। इनके विरुद्ध FIR भी की जाएगी और तफ्ती से जो भी पाए जाएंगे लोग इसमें सजी पाए जाएंगे उनके खिलाफ। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। वक्तों चले ब्रेक का, अपने रेडियो नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। देन आई फाउंड manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। टू रजिस्टर ऑन manglik.com यूज प्रोमो कोड nation1। ब्रेक के बाद रुकेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों ने मोबाइल टावर पर ड्यूटी कर रहे युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। गंभीर है, अब गोली लगी हुई उनके द्वारा बताया गया है, मगर जब तक हम उसको जांच नहीं, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं कर लेंगे, सर्जन नहीं कर लेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि गोली लगी है। फिलहाल उसको प्राथमिक उपचार देकर के जिले के शाहजहांपुर लिए रेफर कर दिया गया। एक अनिल नाम का जो मजरूम है, बच्चा उसकी करीब उम्र 20-22 साल है और एक ऋषभ नाम का, ऋषभ गुप्ता वो लड़का है, उसके साथ कुछ किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ और उसके पास एक तमंचा था, ऋषभ के पास, उसने उस तमंचे से फायर कर दिया जिससे उसकी गोली लग गई है। फिलहाल वो स्थिति उसकी ठीक है। शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जालौन पुलिस ने चर्चित ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी को आखिरकार 12 वर्ष बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 2006 में गोहन थाना क्षेत्र में चर्चित हत्याकांड, जिसमें बाप बेटी और बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इस कांड के एक अपराधी को आजीवन सजा हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी रामशंकर पुलिस को 2006 से चकमा देता आ रहा था, जिसके ऊपर DIG झांसी रेंज ने
20,000 का इनाम रखा था। आज इस इनामी आरोपी को जालौन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक जालौन ने बताया कि अभियुक्त 2006 से फरार था। घटना 17 अप्रैल 2006 की है। अभियुक्त ने राधेश्याम नामक व्यक्ति, उसकी लड़की और उसके बेटे की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या की थी। रमा शंकर पिछले 2006 से ये फरार चल रहा था और इस पे 20,000 का इनाम था। कल गोहन थाना अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी की है और इसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद किया है। जालौन से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ताजा मामला कटनी जिला चिकित्सालय का है, जहां सिविल लाइन निवासी शांति बाई ने आंखों में मोतियाबिंद होने से ऑपरेशन करवाया था, जिससे ऑपरेशन के कुछ दिन बाद आंखों में परेशानी होने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब इस मामले को लेकर परिवार वालों ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर पल्ला झाड़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी डॉक्टर की लापरवाही से कई मरीजों की जान चली गई है, लेकिन शासन प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा दिखा है और उसके बाद में फिर नहीं दिखा है, धीरे धीरे जाती रही रोशनी। अब लापरवाही तो हम उन्हीं के मानेंगे डॉक्टर साहब की। पहले तो हम कमाते खाते थे, अब हमको बिल्कुल नहीं दिखता है, तब हम क्या करेंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि उस रोगी को क्या समस्या है, लेकिन यस हो सकता है कि हाँ सही में ऑपरेशन हुआ ही हो और उसको कोई समस्याएं हो तो वे अस्पताल में आकर जांच करा सकते हैं। हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी हम उनकी जांच करने तैयार हैं और ज़रूरत होगी तो हम उनका बाहर भी इलाज कराएंगे। तो लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, लापरवाही के रूप में नहीं की जाती है। हम लोग अपने कार्य को पूर्णतया गंभीरता से करते हैं और हमारे अधिकांश रोगियों को ज्योति लाभ होता भी है। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1. ब्रेक के बाद रुकेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुरकाजी के गांव बड़ीवाला के गांव मजरा भैंसीवाला में अचानक झोपड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया, जिससे गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। मेरे आज हमारे यहाँ झोपड़ी फूक गई थी, मेरा दहेज का सामान था, अभी शादी हुई थी मेरी, फ्री था, कूलर था, सिंगल था और पंखा था, डबल बेड, सेफ अलमारी, यानी कि टोटल सारा सामान था जी। पैसे जी एक तो मैंने भैंस बेची 40,000 की जी, भी वो भी सारे फूक गए और ये कोई 10,000-20,000 रुपये मैंने कमा रखे थे, वो सारे फूक गए जी। देखिए मुझे जैसे पता लगी, मैं तुरंत भैंसली वाला है, यहाँ 15 जो झोपड़ियाँ में आग लगी है, मुझे देख के बड़ा दुख और कष्ट हो रहा है। गरीब लोग बेचारे कैसे अपना जीवन अर्पण कर रहे थे। अभी बताया जा रहा है जैसे शादी हुई थी 6 महीने पहले, जेवरात भी फूक गए इनके, टीवी फ्रीज सब लोग, बहुत नुकसान हुआ इसका। तो मेरे से, मैं सरकार से जो भी इनकी अधिसक्ति मदद होगी मदद कराऊंगा। मैंने भी तहसीलदार को भी बुलाया, पूरी टीम को, एसडीएम सदर को भी बुलाया, बिजली वालों को बुलाया, अभी पता कर रहे, ये बता रहे कुछ लोग बिजली से हुई है, इनकी ज्यादा से ज्यादा अधिसक्ति सरकार से जो भी होगी मदद करा रहे। पुरकाजी से निशान मलिक की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा अलीगढ़ में अचल ताल स्थित त्रिमूर्ति मंदिर पर महाआरती की गई। इस महाआरती में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हिंदूवादी लोगों ने अपने हाथों में दीपक लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महाआरती की। महाआरती के जरिए लोगों को जागरूक किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राजकुमार आर्य के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अचलताल स्थित त्रिमूर्ति मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती के जरिए लोगों को जागरूक किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वहीं रामकुमार आर्य ने बताया कि इस महाआरती में प्रभु श्री राम से प्रार्थना की गई कि वर्तमान सरकार द्वारा कानून बनाकर मंदिर का भव्य निर्माण हो। संपूर्ण भारत में 31 मार्च तक हिंदू जन जागरण हेतु कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस महाआरती में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। संतों के निर्देश पर संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यज्ञ अनुष्ठान महाआरती का कार्यक्रम रखे हैं। उसी श्रृंखला में अलीगढ़ में महाआरती का कार्यक्रम रखा है।
जिसमें हजारों बजरंगियों ने महाआरती का कार्यक्रम किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के लिए संसद में भारत सरकार द्वारा एक कानून बने। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में लोकतांत्रिक तरीके से इस कार्यक्रम को कर रहा है, जिससे कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।